नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कार ने नहर में डाला नोटों से भरा बोरा, जो चुनकर भागे उन्हें ढूंढ रही पुलिस। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब लूटने की खबर आती रहती है, लेकिन इस बार खबर नोटों के बंडल लूटने की है, वो भी शराब की तरह। पिछले दिनों प्रदर्शन से बुरी तरह प्रभावित रहे सासाराम में नहर के अंदर बोरा फेंके जाने के बाद कुछ लड़के उसमें से काम की चीजें ढूंढने कूदे, लेकिन हाथ आने लगा नोटों का बंडल। इसके बाद तो तुरंत ही लूट मच गई। पानी कम होने के कारण हर तरह के लोग कूद पड़े, जो हाथ लगा लेकर निकल गई। नोट असली हैं या नकली, पुलिस अब तक यह नहीं पता कर सकी। वजह यह है कि नोट का बंडल लूटने वाले पकड़ में नहीं आए हैं, सारे फरार हैं। सासाराम पुलिस अलग अलग वीडियो के आधार पर उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो कथित नोटों का बंडल लेकर निकलते दिखे हैं। पुलिस ने लोगों से पूछताछ के आधार पर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश जिसने बोरे में सबसे ज्यादा बंडल लेकर भागा है, उसके घर भी दोस्तों पुलिस पहुंची है, लेकिन वह नहीं मिला। नोट असली हैं या नकली, इसी कारण पुलिस पता नहीं कर पा रही है। हालात ये हैं कि लूटने वाले लोगों के बाद सासाराम पुलिस ने सिपाहियों को भी नहर में उतारा कि कुछ प्रमाण मिल जाए, लेकिन 5 घंटे में कुछ हासिल नहीं हुआ। ये मामला मुख्यालय के मुरादाबाद नहर का है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन नोटों में 500 रुपये के साथ 100 और 10 रुपये के बंडल भी थे। कुछ लोग नहर में नहा रहे थे, उन्हें कुछ नोट बहते दिखे। नोटों को देख पहले लोगों को विश्वास नहीं हुआ, इसके बाद आगे बढ़कर जांच करने लगे तो पाया कि वह भारतीय करेंसी है। देखते ही देखते नहर में लोगों की भीड़ लग गई। कुराइल पुल के नीचे पानी में लोग छलांग लाकर नोटों के बंडल चुनने लगे। देखते ही देखते दर्जनों लोग नहर में प्रवेश कर गए और दोनों हाथों से नोट बटोरने लगे। अब नोट चुनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस अब इन लोगों की तलाश कर रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।